जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए 11 सितंबर से लेके 17 सितंबर 2023 का यह सप्ताह जो है कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे सुंदर सटीक से और महत्वपूर्ण उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को जो है सुफलदायी, लाभदायी, आनंददायी बना सकेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आगे आने वाले वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए 11 सितंबर से 17 सितंबर 2023 का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो इस राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह जितना संभव हो जो है वृषभ राशि के जातकों को अपने कामकाज से जो है समय निकालते हुए खुद को थोड़ा सा आराम देना है, यह आपने जरूर सोचना है। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य से जितना भी संभव हो सके थोड़ा सा समय निकाल के जो है खुद को आपको थोड़ा सा आराम जरूर करना है, थोड़ा सा आराम जरूर देना है अपने आप को, क्योंकि आप जो है पूर्व के दिनों में भारी मानसिक तनाव जो दबाव है उससे गुजरे हैं। पिछले जो सप्ताह है उसमें आप बहुत ही मानसिक दबाव से गुजरे हैं, इसलिए आपको जो है इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना, आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आपको जो है जो भी आप गतिविधियां करते हैं उसमें से आपको जो है अपना मनोरंजन जरूर करना है, आपको शारीरिक विश्राम करना जो है आपके लिए बेहद ही सहायक सिद्ध होगा, इसलिए आपको शारीरिक विश्राम भी करने की आवश्यकता होगी। इसलिए ज्यादा थकान वाले कार्यों से अभी आपको थोड़ा सा दूरी रखनी है, जो ज्यादा थकाने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों से थोड़ा सा आप दूरी बना करके रखें जो आपके लिए बेहतर होगा। चंद्र राशि से जो है दसवें भाव में शनि महाराज आपकी कुंडली में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह जो है आर्थिक तौर की बात करें तो आर्थिक तौर पर यह जो सप्ताह है आपके जीवन में कई सुधार इस सप्ताह आते हुए दिख रहे हैं, तो जिसके चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित पड़े जो आपके बिल हैं, किसी से आपने उधार लिया है तो इस सप्ताह जो है उसे चुका पाने में आप जो है खुद को इस समय सक्षम पाएंगे। तो आपके जो कोई बिल हैं किसी से उधार लिया है तो वह आप इस सप्ताह जो है चुका पाएंगे। हालांकि इस दौरान जो है आपको अपना पैसा किसी को भी उधारी देने से बचना है, किसी को भी उधार नहीं देना है आपने, इसका आपको ध्यान रखना है। और इस सप्ताह जो है आपके आर्थिक जीवन में चल रही तंगी जो है परिवार में आपको दूसरे के समक्ष शर्मिंदा कर सकती है, जो आपकी जो है आर्थिक तंगी आपके परिवार में चल रही है तो वह परिवार में जो है आपको किसी दूसरे के सामने जो है शर्मिंदा आपको होना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि घर का कोई सदस्य जो है कोई भी जो आपके घर का सदस्य है तो घर का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु के लिए धन मांग धन की मांग कर सकता है, यानी कि आपसे जो है पैसा मांग सकता है, तो जिसे आप पूरा करने में असफल रहेंगे, जिसे आप जो है पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस सप्ताह जो है आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को जो है मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में जो है अपने प्रयास करते दिखाई देंगे, जो है इसमें जो है रणनीति बनाने के आप जो है खूब प्रयास करेंगे। ऐसे में जो है किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले जो है आपको विशेषज्ञों या अपने माता पिता या किसी जो है पिता तुल्य कोई इंसान है तो उनसे आपको जरूर सलाह लेनी है, तभी जाके आपको कोई कार्य करना है।
चंद्र राशि से जो है चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति होने के कारण इस समय जो है छात्रों को भरपूर सफलता मिलते हुए दिख रही है। जो वृषभ राशि के छात्र हैं आपको भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो है आप कई शुभ ग्रहों का भी जो है आपके साथ कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको जो है अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। तो जो विद्यार्थी हैं वृषभ राशि के जातक उनके लिए यह सप्ताह जो है अच्छा रहने वाला है। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, जो छात्र विदेश जाने का सोच रहे हैं, उन्हें ग्रहों के इस शुभ दृष्टि से जो है अपने मनपसंद स्कूल में या कॉलेज में जो है आपको दाखिला मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए यह समय जो है विद्यार्थियों के लिए, जो वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए उपाय के कि उपाय क्या करें इस सप्ताह, जिससे यह सप्ताह आपके लिए आनंददायी हो। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, इस सप्ताह को आनंददायी सुफलदायी बनाने के लिए प्रतिदिन आपको जो है ललिता सहस्त्र नाम का आपको जाप करना है, पाठ करना है। प्राचीन जो पाठ है ललिता सहस्त्र नाम, उसका आपको जाप करना है, उसका आपको पाठ करना है, या फिर माँ भगवती का आपको पूजन करना है। तो यह उपाय आपको प्रतिदिन इस सप्ताह करना है। तो आप इस उपाय को अगर करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए सुफलदायी रहेगा। तो यह उपाय जरूर करें। आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माँ भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।